उत्तर प्रदेश जनपद भदोही थाना औराई अंतर्गत महाराजगंज में डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी के घर में है, जो कि 28 अक्टूबर 2021 को सुबह 10:30 बजे दो शातिर लुटेरे पहुंचकर दबंगई करते हुए कैश लूटने की कोशिश की है। आपको बता दें कि कैश फॉर इंडिया का ऑफिस महाराजगंज में है, जिसमें अचानक से दो व्यक्ति लूटपाट करने की कोशिश किए हैं। वह मौके पर औराई थाने की प्रशासन तत्काल पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। कैश फॉर इंडिया लूटपाट का मामला डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी के घर ऑफिस में हुआ है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट। महाराजगंज कस्बा थाना ओराई में कुछ लुटेरों ने बैंक के जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके कर्मचारियों को बंधक बना लिया है और असले के दम पे बंधक बना लिया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और पहुँच के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से जो बैंक कर्मी थे उनको सुरक्षित निकाला और जो लुटेरे थे उनको धर दबोचा। इसमें दो लुटेरे पकड़ में आए जो थाना कछवा मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से दो असले बरामद हुए हैं जिनकी संबंध में जांच की जा रही है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक असला उसमें नकली है, एक असली है, किस तरह के उसका प्रूफ है अभी जांच में? अभी तक की जो जांच है उसमें एक नकली प्रतीत हो रहा है और दूसरे वाला जो है वो असली है, उसके साथ कारतूस भी बरामद। कुछ कैश भी लोगों ने वहाँ से अपने कब्जे में ले लिया था? हाँ, कैश इन्होंने लगभग 40,000 के आसपास, कर्मचारी जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि 40,000 के आसपास कैश इन्होंने कैसा 40,000 के आसपास कैसे हो गया था। बाकी अभी छानबीन कंपनी में कुल कैश कितना था इन्होंने कुछ बताया चेस्ट में? ये अभी जांच का विषय है, जांच के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। सर कैसे ये लोग पकड़े गए, ये बात आ रही है कि कुछ लोग वहाँ लोकल थे जिन्होंने बाहर से दरवाजे बंद कर दिया था जब बदमाश अंदर? देखिए, इसमें जो बैंक कर्मी हैं उन्होंने भी सूझबूझ से परिचय दिया और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस को सूचना देने से लेके और पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले और उसके बाद भी उन्होंने भी बहादुरी और सूझबूझ और समझदारी दिखाई और पुलिस का सहयोग किया और जो पुलिसकर्मी मौके पे पहुंचे थे उन्होंने अंदर घुस के और बहादुरी का परिचय दिया और न केवल बैंक कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला बल्कि जो अपराधी थे उनको भी गिरफ्तार कर। नकली जो बंदूक है वो किस चीज़ की बनी हुई है, क्या प्लास्टिक खिलौने वाली है या किस? जो अभी उसकी जांच करी जा रही है, जांच के बाद आपको जानकारी।